बचाना और संविधान को बचाने का जो वो है, ये बहुत लोगों को अंदर तक गया है और इसका दिखा नहीं है लोगों को, और यही कारण है कि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस बढ़ रही है। फिर भरतपुर धौलपुर को इन्होंने आरक्षण में भी रोक दिया, तो ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो भरतपुर की जनता को सोचने को विवश करते हैं। देखो एग्जिट पोल तो सब 25 की 25 सीट आ रही है कांग्रेस की, कोई एक आध दो सीट ऊपर नीचे हो सकती है। नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कुछ घंटों बाद लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आना है, क्या रहेगा? एग्जिट पोल आ चुका है, क्या रहेगा इस बार रिजल्ट, किसकी जीत होगी? हमारे साथ भरतपुर के प्रबुद्ध नागरिक हैं, यहाँ पर बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि एग्जिट पोल लेकर और रिजल्ट आने से पहले इनका क्या मत है। जी आप बताएं सर, आपका नाम? मुरारीलाल शर्मा। तो सर कल रिजल्ट आना है जी, और क्या रहेगा अपने राजस्थान की लोकसभा चुनाव? राजस्थान में बहुमत बीजेपी का आएगा, परंतु जी अगर 25 सीट नहीं आ रही हैं जैसा बोला जा रहा था। तो कितने का अनुमान है आपका? मेरा अनुमान यह है कि लगभग 20 सीट बीजेपी की आएंगी। तो सर जैसे दो बार लगातार 25 की 25 सीटें बीजेपी की आती थी 2014 में 2019 में, क्या कारण रहे इस बार कम हो रही हैं? कारण बीजेपी अपने जो के वायदों को पूरा नहीं कर पा रही है। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम है, जो कि हम बैठते ही कम करेंगे, बैठ गए 4 महीने 5 महीने हो गए, अभी तक कोई जो के दाम 2% का क्या लाभ है? बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो सर अपन भरतपुर की सीट पर बात करें तो भरतपुर की सीट पर असमंजस है, कसमकस है। देखो मुख्यमंत्री का ये घर जिला है, मुख्यमंत्री भरतपुर के रहने वाले हैं, क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं और पहले भी जो कि भरतपुर की सीट आरएलडी को गई थी, यहाँ का असमंजस है और हमारे जो बाहुल जाति है या जाट जाति है वो दो भागों में बटी है, क्योंकि उनको आरक्षण नहीं दिया। तो जाट आरक्षण भी एक मुद्दा हो सकता है, और जाट आरक्षण को लेकर मतलब कुछ जो जाट समझा दो जगह बढ़ चुका है, और भी लोग हैं हमारे साथ में। जी आप बताएं साहब, क्या रहेगा इस बार जो रिजल्ट आना है, क्या एग्जिट पोल कह रहा है? एक तो कांग्रेस भरतपुर में कांग्रेस आ रही है, कंफर्म बता रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस की सीट आएंगी। दूसरी बात, जो ये लोकतंत्र बचाना और संविधान को बचाने का जो वो है, ये बहुत लोगों को अंदर तक गया है और इसका दिखा नहीं है लोगों को, और यही कारण है कि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस बढ़ रही है। नहीं तो कितनी सीटें आ रही हैं लगभग यहाँ राजस्थान से? मैं कह रहा हूँ बीजेपी से एक ज़्यादा आएगी। क्या कारण रहे कि 2014 में और 2019 में 25-25 सीटें गई थी बीजेपी की? तो अब काफ़ी समय आदमी जब एक जगह पानी ठहर जाता था वो भी मतलब बदबू मारता है, तो 10 साल हो गए इन पर करने को, तो बहुत कुछ है। पीओ की अब 10 साल से पीओ की नहीं लिया, अब एंड टाइम पे कहने था पीओ के लेंगे। 10 साल से तुम्हारे सब पूर्ण बहुमत में सब कुछ थे, क्यों नहीं ले पाए पीओ की को? आज कर रहे, फिर वही बात आ गई चुनावी मुद्दे पर। अब झूठ की हड्डियाँ कब तक चलती है? ऐसी चलती रहेगी, देश ऐसे ही तानाशाही बनाए रहेगा अगर ये आगे लौट के तो उन्हीं को। तो सर भरतपुर की सीट का क्या कहना है? भरतपुर सीट में कांग्रेस निश्चित तौर पर आएगी। क्या कारण थे जी भरतपुर लोकसभा है जो मुख्यमंत्री का गृह जिला? एक तो यहाँ पर जो जाटों का मतलब जो अब जाटे मतलब जाटों की नाराजगी जो बीजेपी को भारी पड़ रही है भरतपुर में, तो ये कन्फर्म है। तो इनका कहना है कि जो जाट समुदाय है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक वोट जाट समुदाय के हैं, और जाटों की नाराजगी क्योंकि जाटों को आरक्षण नहीं मिला है, उसलिए जाटों की नाराजगी भी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। जी सर आप बताएं साहब, आपका नाम साहब? मेरा नाम मदन मोहन भाई साहब। जी बताएं साहब, एग्जिट पोल क्या आपने देखा? एग्जिट पोल तो हमने ना देखा, पर हमारा व्यक्तिगत भरतपुर की सीट के बारे में मसला है कि इनने एक तो भरतपुर को NCR में ले लिया, और NCR के विरोध में इन्होंने उसके कोई बेनिफिट नहीं दिए भरतपुर को। क्या बेनिफिट दे दिया? एक किसान 10 साल में अपने ट्रैक्टर की किस्त चुकाता है, और जब तक वो मतलब ऑन रोड से बाहर चला जाता है, और फिर NCR में भी फिर मिनी NCR और इन्होंने ला दिया। तो NCR का भरतपुर को क्या बेनिफिट मिला? किसान यहाँ के कुमारी उद्योग था, ईंट भट्टा चल रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली चल रहे, लोग मजदूरी कर रहे, वो भी ख़त्म कर दिया उन्होंने NCR मिनी NCR में लेके। इधर में ये ताज कैरिडोर ले आए, ताज कैरिडोर आर में यहाँ के सबरे ईंट भट्टा चले गए, उसका क्या बेनिफिट दिया भरतपुर को? तो लोगों के अंदर मतलब इस तरह से असमंजस की स्थिति रही है। फिर भरतपुर धौलपुर को इन्होंने आरक्षण में भी रोक दिया, तो ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो भरतपुर की जनता को सोचने को विवश करते हैं, और इस वजह से यहाँ की स्थिति सीट की बड़ी
अस्पष्ट है। राजस्थान में क्या आंकड़ा है राजस्थान का? जो राजस्थान के बारे में मेरा कोई वो नहीं है, मैं तो अपने व्यक्तिगत भरतपुर के बारे में बात कर सकता हूँ। जी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे भाई क्या इनका है। जी सर बताएं साहब, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह त्यागी है जी। बताएं जो एग्जिट पोल आपने देखा होगा और क्या है राजस्थान का एग्जिट पोल आपका? मैंने एग्जिट पोल तो नहीं देखा है, लेकिन राजस्थान की तरफ रुझान अच्छा है। कितनी सीटें हैं सब? सीटें कम से कम जो क्या 33% तो आ जाएंगी। किसकी? इसकी कांग्रेस की। तो आप भरतपुर की सीट कहना चाहते हैं? भरतपुर के बारे में मुझे पता नहीं है क्या है, कांग्रेस के बारे में। अच्छा, कांग्रेस कितनी सीटें ले सकती है? लगभग 25 सीटें थी, 25 में 33% कर लो आप, कहते नहीं उतनी आ जाएगी और क्या कहते। तो इनका कहना है कि 33% ये जो कांग्रेस को दे रहे हैं। जी हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, आपने सर बहुत चुनाव देखे हैं, चुनाव आपने देखा है और क्या कहना है इस बार जो लोकसभा चुनाव? बड़ा उत्तम काम है रोए और सही चल रो है, हमारे दिमाग देखा है काम सही चल रो है और मोदी आए रो है भरतपुर को सही चल रो है, थोड़ी सी जात खराब है गई सही है गई। नहीं कितनी सीटें आप राजस्थान में पहले 25 सीट थी 2014 में चल जाए नहीं 25 है। अच्छा 25 फिर बीजेपी जीत रही है, तो हमारे बाबा साहब का कहना है कि 25 की 25 फिर दोबारा सीट जो है बीजेपी जीत रही है। हमारे साथ और भी हैं जी भाई साहब, आपका नाम? चंद्रपाल सिंह जी। बताएं आपने लोकसभा चुनाव देखा है, क्या एग्जिट पोल देखा हो, क्या है आपका एग्जिट पोल? देखो एग्जिट पोल तो साहब 25 की 25 सीट आ रही है कांग्रेस की, कोई एक आध दो सीट ऊपर नीचे हो सकती है, और क्योंकि कांग्रेस नहीं है बीजेपी की आ रही 25 25 सीट, और क्या कहते हैं कोई एक आध दो सीट और हर जीत 1000 1015 से हर जीत होगी, ज़्यादा आपके मानदंड ऐसे नहीं रहेगा कि लाखों में रहे। और रही रही है जाटों की बात पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारा देश का आदमी इतना हरकसी हो गया इस फ्री के नाच को और इसको खा के वोट डालने को टाइम नहीं है उसके पास, नहीं वोटिंग इतनी कम हुई है। मोदी जी कहते हैं 80,000 लोगों को मोदी जी जो है नाच दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मोदी जी नाच दे रहे हैं। हाँ अब वो दे रहे हैं, वो इसी गलत कर रहे हैं इस काम को। तो आप भरतपुर की सीट में क्या कहना है? भरतपुर की सीट साहब असमंजस में खेतान में 1500 से हर जीत होगी। कौन जीतेगा अब इसमें कह ही नहीं सकते, फिर भी टक्कर कांटे की है, 1500 से ऊपर नीचे होगा मामला, ज्यादा कोई भी जी सकता दोनों में से। पूरे राजस्थान में वो असमंजसता की भी है, कहीं कहीं तो बिल्कुल क्लियर है बीजेपी की, और कहीं कहीं टक्कर में 1500 से 1500 अगर वो लाखों का टक्कर नहीं है। अब जैसे 2014 और 2019 में 25 25 बीजेपी जीती, इस बार मतलब मैं बता तो दिया एक ही बार में आरकसी हो गया और कछु गर्मी इतनी खा गई कि इतनी हीट में वोट डालने को आदमी निकला। कांग्रेस को मिल सकती है कुछ सीटें? हाँ कांग्रेस को मिल सकती है, दो एक सीट मिल सकती है, नहीं तो हार जीत 1500 से और बीजेपी सीट पूरी बाह में आएगी। तो ये हमारे साथ थे, इनके लोगों का कहना है कि जो जाट आरक्षण जो भरतपुर की सीट पर जाट आरक्षण प्रभाव डालेगा और राजस्थान में कुछ सीटें जो है कांग्रेस को मिल सकती हैं, इस बार बीजेपी को राजस्थान में नुकसान होना संभव है।